तो वहीं इंदौर जिला पुलिस लाइन में वरिष्ठ अधिकारियों ने माता पूजन के बाद विजयदशमी पर्व पर परंपरागत तरीके से पुलिस विभाग के पास मौजूद शस्त्रों का पूजन किया। शस्त्र पूजन में पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। उसके बाद पारंपरिक परंपरा का निर्वाह करते हुए हवन पूजन कर कद्दू काटकर पुलिस अधिकारियों ने बलि दी है। बताया जाता है कि अंग्रेजों के समय से ही वो प्रथा पुलिस में चली आ रही है और ऐसे में देश स्वतंत्र होने के बाद भी इस परंपरा का निर्वाह चल रहा है। वही पुलिस विभाग ने सभी को विजयदशमी की शुभकामनाएं भी दी है और हर्षोल्लास से त्यौहार मनाने की अपील भी की है। साथ ही संकल्प लिया है कि माफियों और मिलावटखोरों के खिलाफ जो भी अभियान चल रहा है वो अभियान लगातार जारी रहेगा और पुलिस लगातार ऐसे लोगों पर शिकंजा कसती रहेगी। दशहरे के दिन विजयदशमी के दिन हम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आचरण को अपने जीवन में आत्मसात करें, यही संकल्प रहता है। मैं सभी नगर के वासियों को और सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सभी को आज विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर पुलिस ने अपने सभी संसाधनों को विशेष तौर पर अस्त्र शस्त्रों की पूजा की और साथ ही साथ पुलिस ने इस अवसर पर संकल्प लिया कि लगातार पुलिस का जो असामाजिक तत्वों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ जो अभियान चल रहा है वो लगातार चलता रहेगा। समाज में इस तरह का लगातार माहौल बना रहेगा जिसमें कि एक व्यक्ति जो कि कानून में आस्था रखता है, कानून का पालन करता है, वो पुलिस को अपना एक सहृदय मित्र समझेगा और अपराधी असामाजिक तत्वों के लिए